कितना आशीर्वाद देती है हमारी माँ। बस भीतर में आने की देर है, सराबोर कर देती है अपने प्रेम से। तत्क्षण निर्विचारिता। देखें सभी कहां है विचार, जैसे हम अक्सर साउंड प्रूफ रूम्स में चले जाते हैं जहां बाहर का शोर सुनाई नहीं देता और हमारा मध्य हृदय भी एक ऐसा ही थॉट प्रूफ हॉल है जहां विचार प्रवेश नहीं कर सकता। विचार की हिमाकत नहीं है हृदय में प्रवेश कर सके। ऐसे ही सुंदर कक्ष में हमारी चेतना अनेकों चेतनाओं के साथ स्थित है। कुछ देर सुमड़ती घुमड़ती ऊर्जा की धारा को अपने भीतर में आनंद लेते हुए महसूस करेंगे। साथ ही चित्त का एक छोर सहस्त्रार पर भी रख छोड़ेंगे, क्योंकि खुले सहस्त्रार से अनेकों विभूतियां अनेकों महान चेतनाएं जो माइक्रोन फॉर्म में होते हैं इस प्रेम प्रवाह के साथ हमारे सहस्त्रार से भीतर में प्रवेश करते हैं और हमें ज्ञान देकर हमारी समझ को विकसित करते जाते हैं। हम जो विकसित होते हैं, ये जो हमें सूक्ष्म समझ आती है, ये अपने भीतर में सूक्ष्म चेतनाओं को वाइब्रेशंस एनर्जी के साथ भीतर में ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। ये सभी सूक्ष्म चेतनाएं महान चेतनाएं अत्यंत सूक्ष्म होती है और आदि शक्ति मां के निराकार निरंतर स्वरूप के साथ ये भी भीतर में प्रवेश करते हैं सहस्त्रार के माध्यम से और हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलते हैं। अनेकों महान चेतनाओं के अनेकों महान गुण सृजित होने लगते हैं हमारे ही भीतर। इसीलिए ढेर सारे लोग जो अपने को बेकार और अपने जीवन को व्यर्थ समझते थे, मां के चरणों में आके समर्थ होने लगे हैं। दो तीन मिनट इसी अवस्था में जगह जगह पर
अपने यंत्र में, अपने समस्त शरीर में इस ऊर्जा के भ्रमण को महसूस करते रहेंगे। ऊर्जा का भीतर में आनंद लेते लेते अपने चित्त को हम विशुद्धि में लगा देते हैं। पूरे यंत्र की समस्त ऊर्जा को हम विशुद्धि पर केंद्रित करेंगे चित्त की सहायता से। सहस्त्रार से आने वाली ऊर्जा, हृदय से प्रस्फुटित होने वाली ऊर्जा, दोनों को शुद्धि चक्र पर महसूस करेंगे। कंठ में होने वाली सरसराहट को भी महसूस यदा कदा ऐसा करने से हमारे दोष भाव नष्ट होते हैं। अब चित रखते हैं हमसा पे, यहां ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया है। हंसा चक्र स्वयं ही हमारे चित्त को बहुत सुखद खिंचाव देकर अपनी ओर खींच रहा है। मानो हंसा चक्र हमसे ये कहते हो, आइए राजिए मेरे साथ, पूरा चित्त हंसा चक्र पर ले आएंगे, त्रिनेत्र पर। और इस हंसा में होने वाले सुंदर से खिंचाव का आनंद लेते हैं। आधा एक मिनट तक पूरा चित्त हमसा पे रखेंगे और इसकी ऊर्जा की प्रतिक्रियाओं को आत्मसात करते जाएंगे। अच्छा लगता है जब इस चक्र में खिंचाव होता है। और अब अपने चित्त को हम ले जाते हैं श्री मां आदि शक्ति के श्री चरणों में। ऊर्जा के प्रवाह को सहस्त्रार में जो मध्यम मध्यम
वर्षा जैसी अनुभूति देता है। यहां भी कितना अच्छा खिंचाव उत्पन्न हो गया है, ऊपर की ओर उठता हुआ खिंचाव। कपाल की ऊपरी सतह पर स्थित समस्त चक्रों की गतिविधियों को अनुभव करते हैं। आप जानते ही हैं, समस्त चक्रों का कंट्रोल सहस्त्रार पे चारों तरफ कपाल की ऊपरी सतह पर मौजूद है। पाल के ऊपर जगह जगह पर होने वाली ऊर्जा की सरसराहट पे अपना चित्त साथ साथ ले जाते जाएंगे। सर पे जहां जहां भी कुछ भी हलचल होगी, ठंडा गर्म का परवाह मत कीजिएगा, कुछ हलचल होनी चाहिए। अब अपने चित्त को रखेंगे हम अंतरिक्ष में। चित्त का एक छोर अंतरिक्ष में रखते हैं और दूसरा छोर सहस्त्रार, और सहस्त्रार से कनेक्टेड रखेंगे सेंट्रल हार्ट को। अंतरिक्ष में अपने चित्त को रखकर इसकी प्रतिक्रियाओं को ऊर्जा की सहस्त्रार में ही महसूस करते हैं। चित रखते हैं सरस्वती ब्रह्मा की निराकार शक्तियों पर, अपने चित्त में ब्रह्मदेव सरस्वती का आभास रखते हैं निराकार शक्ति के रूप। चित्त पूरी तरीके से श्री ब्रह्मदेव सरस्वती में रहेगा, स्वाधिष्ठान चक्र में नहीं, चित्त अंतरिक्ष में श्री ब्रह्मदेव सरस्वती की शक्ति पर चित्त रहेगा। शक्ति को
शस्त्रार्थ के माध्यम से अपने भीतर हृदय तक महसूस करेंगे या नीचे तक जहां तक आपका मन करे, जहां तक आपको आभास हो, और महसूस करें अब उन शक्तियों को अपने भीतर में प्रवाहित होते हुए, सहस्त्रार, आज्ञा, शुद्धि, हृदय, नाभि, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, ऊर्जा के प्रवाह में बस थोड़ा फेर बदल होता है। जिस देवता का भी नाम हम लेते हैं, थोड़ा ऊर्जा के प्रवाह में तब्दीली आती है, क्योंकि सब समस्त डेटीज अलग अलग इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी देते हैं। इन दो शक्तियों के प्रादुर्भाव से हमारे भीतर दो प्रकार के लाभ हमें होने लगते हैं। पहला लाभ, शुद्ध विद्या का आभास होना, और दूसरा लाभ, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। अब चित्त डालते हैं हम शुद्ध विद्या में, थोड़ा चिंतन करेंगे शुद्ध विद्या का, निर्मल विद्या का। आखिर क्या है ये निर्मल विद्या, शुद्ध विद्या? हमारा अंतःकरण, इससे क्या आशय समझता है? जब तक तथ्य हमारे सामने उजागर नहीं होते, तब तक ग्रहण की हुई चीज भी हमें एहसास नहीं दे पाती। डेढ़ दो मिनट तक शुद्ध विद्या के ऊपर चित रखेंगे और जरा चिंतन करते हैं। आखिर क्या मतलब है शुद्ध विद्या का हमारे भीतर? पूरी गहनता के साथ चल रहा है चिंतन हमारा। ऊपरी तौर से अगर हम ये कहते हैं शुद्ध विद्या का मतलब है ईश्वर का आभास होना, ठीक है, पर संसार के ढेर सारे कार्यों में क्या शुद्ध विद्या भी नहीं है? क्या हम उसको निर्थक मानते हैं? केवल ध्यान से संबंधित, ईश्वर से संबंधित बातों को ही हम शुद्ध विद्या का दर्जा देते हैं? करते हैं चिंतन।
तक देखिए, बड़ी सुंदर बात होती है। अंतस में उतर के देखिए, कितनी सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं। हम अक्सर शब्द विद्या का शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, पर अक्सर गौर ही नहीं करते आखिर शुद्ध विद्या है क्या। अपने मध्य हृदय में चित्र कर साथ में टटोले, मध्य हृदय सहायक है क्योंकि साक्षात जगदम्बा वहां मौजूद है। मां जगदम्बा हमें समस्त चीजों के बारे में अवगत कराती है जो कल्याणकारी है, पर हम पुस्तकों के सहारे लेने चाहते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं। हम कोई विषय के बारे में अगर सोचते हैं, इंटरनेट खोल लेते हैं, कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ रेफरेंस ढूंढते हैं। क्या उनमें ज्ञान है? क्या वो किताबें हमें संतुष्ट कर पाती हैं? शायद नहीं। तो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो हमें कैसे आनंद दे सकती है, वो हमें कैसे संतुष्ट कर सकती है। यही है शुद्ध विद्या मेरी चेतना के मुताबिक। जिस आभास से, जिस भीतर के एहसास से हमारे अंदर खुशहाली पैदा हो, दूसरों को खुश करने की इच्छा पैदा हो और खुश करने के निस्वार्थ भाव से प्रसन्न करने के तौर तरीके भीतर से प्रस्फुटित हो, तो वही शुद्ध विद्या है। पर हम खुश को खुश किसको करना चाहते हैं? संसार में मानवों को? तो वो तो बहुत ही खो गया। जो दिखाई देता है वो तो बहुत ही है, तो ये शुद्ध विद्या कैसे हो सकती है? हो सकती है क्योंकि उन मानवों के भीतर आत्मा है, जीवात्मा है, कुंडलनी है, अनेकों देवी देवता है। इसी मानव की चेतना को प्रसन्न करने का मतलब इन समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करना। और जो मानव सबको प्रसन्न करना चाहता है वो प्रकृति के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जाता, ना ही वो परमात्मा के खिलाफ जाता है। तो एक बिल्कुल सरल सी बात में संपूर्ण रहस्य छुपा है। दूसरों को खुशहाल देखने के लिए जो हमारे माध्यम से होता है या जो हम करना चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ भाव से, बिना किसी व्यापारिक दृष्टिकोण से, यही तो शुद्ध और निर्मल विद्या है। जब हमारे भीतर में आइडियाज आते हैं और जब हम उन पर काम करते हैं दूसरों के कल्याण करने के लिए, पर कल्याण के लिए, पर हित के लिए, परम मार्ग के लिए, तो वो किए गए कार्य क्रिएटिविटी कहलाते हैं, रचनात्मकता। ब्रह्मदेव रचनात्मकता के पर्याय है, मां सरस्वती
शुद्ध ज्ञान की, यानी ऐसा ज्ञान जिसको अपनाकर संसार का कल्याण हो सके, वही शुद्ध विद्या, वह रचनात्मकता है। तो इसके लिए कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, इसके लिए कौन से हमने उपनिषद, वेद, शास्त्र पढ़ने हैं, इसके लिए तो पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं है। पढ़ा लिखा होने का कोई लाभ ही नहीं इसके लिए, तो भीतर से प्रस्फुटित होती है। और कब, जब हमारे हृदय में ये भाव आता है इस संसार का कल्याण कैसे हो, तब यह शुद्ध विद्या परमेश्वर की अनुकंपा से प्रस्फुटित होती है, और प्रस्फुटित होकर प्रयासों के माध्यम से जब ये मूर्त रूप लेती है तो ये रचनात्मकता कहलाती है। इसका मतलब शुद्ध विद्या पर की गई प्रतिक्रिया को हम रचनात्मकता कहते हैं। शुद्ध विद्या के आधार पर प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी नवनिर्माण किया जाता है उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। इसलिए ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्रिएटिविटी होगी तो शुद्ध विद्या होगी, शुद्ध विद्या होगी तो क्रिएटिविटी होगी। यही सरल सी चीज को हमको समझना है। और क्रिएटिविटी किसकी देन है, शुद्ध विद्या किसकी देन है, उन्हीं परम पिता की, जिनकी इच्छा स्वरूप इस सृष्टि का निर्माण किया गया, वही हमारे अंतःकरण में ऐसे भाव देते हैं जिसके माध्यम से हम रचनात्मक कार्य कर पाते हैं। देखिए, हम सब बात कर रहे थे शुद्ध विद्या और क्रिएटिविटी की, जरा गौर तो करिए कितनी हीट बाहर निकल रही है। गर्माहट यदि किसने हाथ खोल रखे हैं वो महसूस कर सकते हैं, दोनों ही हाथों से हीट का प्रवाह हो रहा है। कारण हम वास्तविक विद्या की स्थिति को महसूस करने लगे हैं, इस कारण से हमारी भ्रांतियां टूट कर बाहर जा रही है और उनके बाहर जाने के कारण ये हीट उत्पन्न हो रही है। क्योंकि यदि हम संसार के लिए भी कुछ रचनात्मक करते हैं तो प्रभु की बनाई रचना के लिए रचनात्मकता, इसलिए यह भी डिवाइन है। एक मनुष्य डॉक्टर बनता है, अपना पेट भरने के साथ साथ वो रोगियों को ठीक भी करता है। रोजगार तो उसे मिला और उसके पास जो गुण है रोगियों को ठीक करने का, ब्रह्मदेव सरस्वती की कृपा से मिला।
और यदि वह अपने इस गुण को सेवा भाव में लगा देता है, सेवा भाव से कार्य करता है, तो यह सार्थकता है, यही शुद्ध विद्या है, यही रचनात्मकता है। और इसके विपरीत यदि वह अपने गुण का दुरुपयोग करता है, जैसे कि आजकल समाज में दिखाई देता है, ऑपरेशन के बहाने लोगों की किडनी निकाल लेता है, अच्छे भले इंसान को मृत्यु देकर उसका लीवर निकाल देता है ताकि उसे ऊंचे दामों में बेचकर बहुत पैसा कमा सके, तो यह अशुद्ध विद्या है। क्योंकि इससे सृष्टि की हानि हो रही है, मानवता का गला घोटा जा रहा है, यह अशुद्ध विद्या है। मां की अनुकंपा होती है, ध्यानस्थ होते हैं, प्रेम प्रस्फुटित होता है, प्रेम सृजनात्मक है, दूसरा रचनात्मकता और शुद्ध विद्या का पहलू है प्रेम का प्रस्फुटन। जब हमारे हृदय से सभी लोगों के लिए जो भोले भाले हैं, निर्दोष हैं, उनके लिए प्रस्फुटित होता है प्रेम, तो यह भी एक शुद्ध विद्या का ही परिणाम होता है। और उस प्रेम से किसी के लिए कुछ भी करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो यह रचनात्मकता होती है। और मां के सानिध्य में आने पर दोनों ही चीजें घटित होती हैं। ध्यान के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से हमें ब्रह्मदेव सरस्वती के गुण प्राप्त होते हैं और उनके वजूद को अपने भीतर में हम महसूस कर सकते हैं, चित्त को ब्रह्म देव सरस्वती पर रखने से उनकी निराकार शक्ति हमारे शस्त्रार के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर दी जाती है। हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर हमारे भीतर में शुद्ध विद्या को प्रस्फुटित करती है। ध्यान का तरीका एक ही है लगभग, या हमें शस्त्रार्थ से ग्रहण करना है, लेकिन चित्त अलग अलग देवताओं पे रखने से उनकी निराकार शक्ति हमारे अंदर बहने लगती है। जैसे कि हम मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, हर चीज को ग्रहण करने का तरीका मुख के द्वारा ही है, ये कॉमन है, ऐसे ही शस्त्रार्थ के द्वारा लेंगे, पर किस चीज को खाएंगे ये अलग अलग हो सकती है। कभी हम कोई और सब्जी खाते हैं, तो कभी दाल खाते हैं, तो कभी चावल खाते हैं, जो हम खाना चाहते हैं वो खाते हैं ना, और वही चीज हमारे पेट में जाती है, वही चीज हमारे मुख के द्वारे आती है, क्योंकि हमें जो खाने की इच्छा है वही चित्त के समान है। चित्त के माध्यम से हमने श्री ब्रह्मदेव सरस्वती की ऊर्जा को ग्रहण किया, बिल्कुल भोजन की तरह विभिन्न प्रकार की शक्तियों को शस्त्रार्थ के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। बस चित्त रखने की बात है। थोड़ी देर तक अपने वजूद में श्री ब्रह्मदेव सरस्वती को अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करेंगे, ऊर्जा के रूप में, यानी चित्त
से परे अंतरिक्ष में श्री ब्रह्मदेव सरस्वती पर रहेगा और उनकी शक्ति को शस्त्रार के माध्यम से अपने यंत्र में बहता महसूस करेंगे। चक्र तिल लोगों के पकड़ते हैं स्वाधिष्ठान। जो लोग इन चीजों का पालन नहीं करते, जो लोग स्वार्थ में रहते हैं, जो लोग नजदीकी रिश्तों में भी व्यापार करते हैं, जो लोग जो ईश्वर ने हमें दिया है सामर्थ्य है ज्ञान, उसका दुरुपयोग करते हैं, उन्हीं के चक्र कैच होते हैं, उन्हीं के चक्र पकड़ते हैं। किसी के पास बैठने से नहीं पकड़ जाएंगे जब तक कि हमारे भीतर में नकारात्मक मनोवृत्ति ना हो। तो दूसरे की कितनी ही नकारात्मक स्थितियां हो वो हमें प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ, एक अच्छे साधक के माध्यम से नकारात्मक लोगों के चक्र क्लियर होने प्रारंभ हो जाते हैं, इसकी प्रतिक्रिया हमें महसूस होती है, पर उसकी खराबियां हमारे अंदर भीतर में नहीं आ सकती। वो तभी आती है जब हमारे भीतर में गुंजाइश होती है, हमारे भीतर में इस प्रकार की नकारात्मक मनोवृत्तियां होती हैं, तभी हमारे चक्र कैच होते हैं। यदि हमारा चित्त हमारे स्वयं पर है और तब कैच आ रहा है तो समस्या है। समस्या यह है कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर इस प्रकार की मनोवृत्ति एग्जिस्ट करती है, और यदि हमारा चित्त किसी और पर है तब हमारा चक्र पकड़ रहा है, तब स्वाधिष्ठान कैच हो रहा है। इसका मतलब हमारे यंत्र के माध्यम से उसके स्वाधिष्ठान चक्र की क्लियरिंग हो रही है। यह रंग गलत नहीं है, यह बाधा नहीं है, यह समस्या नहीं है, ये तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारे यंत्र के माध्यम से घटित हो रही है। तो इस सरल सी चीज को हमें अंतस में समझ लेना चाहिए। और सही चीजों को ग्रहण करने की समझ भी शुद्ध विद्या है। भगवान की बातें तो हमें बाद में समझ आएंगी, पहले इंसान की बातें तो समझ आ जाए, क्योंकि भगवान इंसानों के माध्यम से ही तो हमसे जुड़ते हैं या हम उनसे जुड़ते हैं। इंसानों को दरकिनार कर, इंसानों की, अच्छे इंसानों की उपेक्षा कर भला परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, कैसे अपने भीतर में महसूस किया जा सकता है। जिसके अंदर परमपिता मौजूद है और वह निर्दोष प्राणी हमारे द्वारा उपेक्षित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, परमपिता भीतर में कैसे हमें अपना
अनुभव दे पाएंगे तो हमारे माध्यम से यदि जानबूझकर पीड़ा पहुंचाई जा रही है तो हम अशुद्ध विद्या के शिकार हैं और अशुद्ध विद्या होने के कारण भला वाइब्रेशन कैसे ठीक हो सकते हैं हमारे। जब वाइब्रेशन ठीक नहीं होते हैं तो हम आजीवन चक्रों को साफ करने में ही अपना ये बेशकीमती जन्म व्यर्थ कर देते हैं। हम सोचते हैं कि चक्र साफ हो जाएंगे तो हमें परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा भीतर से कहना चाह रहे थे, बेटा दूसरे को सताना तो बंद कर, दूसरे को पीड़ा देना तो बंद कर, दूसरों पे शासन तो करना बंद कर, जरा लालच फरेब झूठ से पैसे कमाना तो बंद कर। अभी तो मैं तेरे भीतर में प्रकट हूं, तू लाख चक्र साफ करके मेरा दीदार ना हो सके। ये सरल सी समझ होना ही निर्मल और शुद्ध विद्या है। देखिए जब हम सब ने अभी मां सरस्वती और ब्रह्मदेव पर चित्र रखा हुआ है, उनकी ऊर्जा हमारे भीतर आकर निरंतर सफाई कर रही है, देखिए कितनी विलक्षण बात है। कैंडलिंग से तत्वों से सफाई करते हैं, यहाँ तो साक्षात मां सरस्वती ब्रह्मा की ऊर्जा स्वच्छ कर रही है हमारे यंत्र को, हीट हीट बहती जा रही है। यह हीट हमारी लेग्स की साइड में ज्यादा है, महसूस कर सकते हैं आप लेग्स के अंदर, घुटनों में, हाइस में, इंडलियों में, क्यों है ऐसा? हाथों में इतना हीट नहीं लेकिन पांव में हीट क्यों है इतना? दो तीन सेशन पहले बताया गया था आप सबको कि जब हमारा चित कुंडली जागने के बाद भी भौतिकता में पड़ा रहता है, केवल भौतिक चीजों में उलझनों में हमारा चित लगा रहता है, तो हमें उसका आभास कमर से नीचे के हिस्सों में होगा, पांव के तलवों में होगा, पांव की उंगलियों में होगा, घुटनों में होगा। तो ज्यादातर लोगों के चित जाने अनजाने में भौतिकता में फंसे होने के कारण हमारे भीतर से हीट बह रही है। पर मजे की बात यह देखिए कि सहस्त्रार में ठंडक है, सहस्त्रार में खिंचाव है, दोनों हथेलियों में गोल गोल घूम रहा है, लेकिन हीट भी बह रही है। हृदय में खिंचाव है, यानी कि सहस्त्रार हृदय विशुद्धि, हाथ पांव दोनों में सब में ऊर्जा महसूस हो रही है, लेकिन हीट भी आ रही है। इतना सुंदर आनंददायी व्यवस्था है स्वच्छ होने की। अशुद्ध विद्या के कारण कचरा इकट्ठा होता है और ब्रह्मदेव सरस्वती की शक्तियों को, उनके निराकार स्वरूप को भीतर में ग्रहण करने पर स्वतः ही हमारी सफाई होनी प्रारंभ हो जाती है। कई बार तो अनजाने में भी ये शक्ति प्रवेश करती है, हमारे शरीर से गर्म गर्म हवाएं निकलने लगती है।
से संबंधित अनुभूति और समझ, और अब चलते हैं। एक जिम्मेदारी कर्तव्य था हमारा, अब चलते हैं सहस्त्रार के माध्यम से अपने परम पिता परमेश्वर के हृदय में। छोड़ देते हैं अपने मानवीय आवरण को सहस्त्रार पर, निकल पड़ते हैं इस आवरण से, प्रकाशित कुंज के रूप में उड़ चलते हैं अनंत आकाश, अनंत अंतरिक्ष, हजारों आकाश गंगाओं से परे शून्य सरोवर में। कितना आनंददायी सफर है ये, सबसे सुंदर यात्रा तो यही है। अशरीरी अविचार चेतना की शांत होकर इस अविचार निस्तब्धता का आनंद इस शून्य सरोवर में उठाते हैं। ऐसा लगता है जैसे शाम को थककर किसी सरोवर के किनारे बैठकर सुंदर सुंदर हरी घास में लेटकर विश्राम कर रहे हो। है शून्य सरोवर हमारी चेतना का विश्राम स्थल ही है, और पार ब्रह्म परमेश्वर का हृदय हमारा, हमारी चेतना का शयन कक्ष है। और थोड़ी देर समय यहीं बिताकर अब चलते हैं परमपिता के हृदय में, जा छुपते हैं उनके हृदय में। और लेते हैं थोड़ा लंबा रेस्ट यहीं पर जुड़े जुड़े उनके हृदय में, प्रकाशित कण बनकर चिपके हुए 5-6 मिनट तक इसी स्थान पर अपनी चेतना को रखेंगे। रिकॉर्डिंग समाप्त होने जा रही है, पर इस अनुभूति को जारी रखिएगा। जय श्री माता जी।
Gracias.